दोस्तों विराट कोहली, रोहित शर्मा और अरविंद जडेजा के बाद अब हार्दिक पांड्या रिटायरमेंट लेने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है, ये बात भारत में सनसनी फैला दी है। आखिर हार्दिक पांड्या क्यों संन्यास ले रहे हैं, चलिए जानते हैं इस पूरी वीडियो में। बात की जाए तो भारतीय व्हाइट बॉल टीम के भविष्य के लीडर के तौर पर देखे जा रहे हैं हार्दिक पांड्या को लेकर एक दिग्गज क्रिकेटर के बयान से सनसनी अभी भी मचा हुआ है। दरअसल लंबे समय से हार्दिक को सिर्फ व्हाइट बॉल के प्लेयर के तौर पर देखी जा रही है। वह 2018 के बाद से रेड बॉल यानी कि टेस्ट क्रिकेट में खेलते नहीं नजर आए हैं। इनका कारण 2018 में हुए उनकी बैक इंजरी भी हो सकती है। साल 2021 में एक बार फिर से हार्दिक अपनी इस समस्या से जूझ रहे थे। उन्होंने क्रिकेट से ब्रेक लिया था। उसके बाद IPL 2022 में गुजरात टाइटन के लिए उन्होंने बतौर कप्तान के रूप में एक नई रूप से वापसी की थी। उनका व्यक्तिगत प्रदर्शन भी बदला और उन्होंने अपने ऑलराउंडर खेल से टीम को चैंपियन भी बना दिया था। अब इस ढाका खिलाड़ी को लेकर एक दिग्गज ने बड़ा ही बयान दे दिया है कि हार्दिक पांड्या को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडरों में से एक बताते हुए साउथ अफ्रीका के पूर्व ऑलराउंडर लॉन्स क्लूजनर के कहा कि आपने वर्कलोड मैनेजमेंट के लिए हार्दिक टेस्ट क्रिकेट छोड़ सकते हैं। आपने करियर में कई बार चोटों से जूझते आए हैं। पांड्या ने आखिरी टेस्ट सितंबर 2018 में खेला था। वह तब से लिमिटेड ओवर क्रिकेट ही खेल रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियन फाइनल से भी उन्होंने खुद को बाहर रखा गया था। जिनर ने कलकत्ता खेल पत्रकार क्लब द्वारा आयोजित बातचीत में कहा कि पांड्या शानदार क्रिकेटर है और अगर वह फिट रहते हैं और 135 मीटर की रफ्तार से गेंद डालते हैं तो उनका सामना करना हमेशा कठिन रहेगा। वह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडरों में से एक है। आखिर हार्दिक पांड्या कब तक संन्यास ले सकते हैं? दोस्तों हार्दिक पांड्या की बात की जाए तो हार्दिक पांड्या 3 से 4 वर्ष के अंदर में संन्यास लेने की घोषणा कर सकते हैं, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट खेलना इनके लिए थोड़ी मुश्किलें पैदा हो रही है। और हार्दिक पांड्या अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस की वजह से हार्दिक पांड्या ने T20 वर्ल्ड कप जिता दिया है। तो आपको क्या लगता है, क्या हार्दिक पांड्या को संन्यास लेना चाहिए या नहीं, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। चलिए इसी के साथ मिलते हैं आपको हम अगली वीडियो में।